देखिए 5 मई को दलितों घर चलाए गए थे, उसके बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो 9 मई को भीम आर्मी के लोगों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की थी, लेकिन उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को होने नहीं दिया गया। उसके बाद वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन, कमल वाले सब पे बड़े बड़े केस लगा दिए गए। चंद्रशेखर आज़ाद को जेल में डाला गया। अब देखिए उस पूरे प्रोसेस के बाद चंद्रशेखर को बेल मिलती है 1 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और बेल मिलने के बाद सरकार उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाती है। तो कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कि सरकार को आज देश में संविधान पर और उच्चतम न्यायालय पर मतलब भरोसा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो सरकार काम कर रही है वो हमारे सबको हम दिखता है। और सवाल हम पूछने के लिए आए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बीजेपी आरएसएस के लिए खतरा है? जो लोग वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं दलितों पे, उन लोगों को अवार्ड मिल रहा है, उन लोगों पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इवन मतलब जो डीएम की वहाँ पे रिपोर्ट थी उसमें बरी कर दिया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर पे रासुका लगा के उनको लगातार जेल में रहने को मजबूर किया जा रहा है। सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि दलित आगे बढ़े, पढ़े और मजबूत हों, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़े। इसीलिए आज चंद्रशेखर पर दमन है, और इसी दमन की एकजुटता में, सॉलिडरिटी में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जो लड़ाई है केवल शोषण की है, जहाँ भी शोषण होगा वहाँ भीम आर्मी आवाज़ उठाने का काम करेगी। हम यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, मैं शामली से हम पहुँचे हैं, और सहारनपुर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, और मेरठ से यहाँ पहुँचे हैं, और राजस्थान से लोग पहुँचे हैं, और हरियाणा से यहाँ समर्थन में लोग पहुँचे हैं, और उत्तराखंड से यहाँ टीम पहुँची है पूरी। भारत में जातिवाद एक बहुत लंबी समस्या है, और जब तक भारत इस जातिवाद से मुक्त नहीं होता, भारत का लोकतांत्रिक देश के रूप में एग्जिस्ट करना संभव नहीं है। जातिवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। दलित यूथ जो अब मोबाइल, सूचना क्रांति और पढ़ाई से लैस है, उसने गुलामी नहीं देखी, उसने बड़ी जातियों की मजदूरी नहीं करी, उसने मार नहीं खाई, तो वो आत्मसम्मान से भरा हुआ है, वो अपने इक्वल राइट्स के प्रति जागरूक है, तो वो एक इस लड़ाई को एक नए तेवर में, एक नए ढंग से लड़ रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं, यदि देश को आज़ादी मिली और उस आज़ादी मिलने पर हमको संविधान दिया गया, तो देश में जो आज हुक्मरान बने बैठे हैं, जो जमहूरियत के नशे में हैं, वो ये बताएं कि क्या मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं या संविधान के तेज देश चलाना चाहते हैं। जुडिशरी में बैठे लोग ये तमाशा देख रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो है ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। बाबा साहब का नाम केवल संविधान के नाम पर नहीं है, बाबा साहब का नाम सामाजिक कार्यकर्ता के भारत में ही पूरे विश्व में जाना जाता है। हम लोग न्याय पसंद लोग यह इसलिए आए थे ताकि अपने अधिकारों का हम खुद जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम खुद ले सके, ताकि ज्ञापन यहाँ दे सके। लेकिन ये लोग कभी चाहते नहीं कोविड प्रोटेस्ट देश में लोकतांत्रिक हो। ये लोग खुद दंगा फैलाते हैं, खुद गुंडागर्दी करते हैं, खुद मारते हैं। पूरी ब्राह्मणवादी सरकार है, पूरी आरएसएस की सरकार है, ये नहीं चाहती यहाँ पर गरीबों का कोई उत्थान हो, कोई कल्याण हो। जैसे पहले भाई रोहित वैमलो को मार दिया, उसके बाद गौरी लंकेश को मार दिया, ऐसे ही ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट रहा, उनको जेल के अंदर मारना चाहते हैं। हम एक चीज़ बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं पिछले 3 साल के अंदर, वो ये है कि समाज का जितना भी वंचित तबका है वो चुपचाप इस चीज़ को सहा नहीं है, प्रतिरोध की आवाज़ें बढ़ी हैं, और दलित आंदोलन का नया उभार हुआ है, एक नए दलित आंदोलन का उभार हुआ है, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई और अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपने अधिकारों की लड़ाई से जोड़ के भी देखा है। जो ऊना में नारा उठा कि आप गाय आपको बहुत प्यारी है तो गाय आप खुद ही रखिए, आप हमको हमारा जमीन और अधिकार दीजिए, जो चीज़ भीम आर्मी ने वहाँ सवाल उठाया कि हमको स्कूल अगर नहीं मिलता तो हम अपने समाज के स्कूल चलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात बोला था, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। आज जब दलित एजुकेट करते हैं, एजुकेट करते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, तो उसी चीज़ से हमको सबसे ज़्यादा डर है। ये कुछ लोगों पर हमला नहीं है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था समानता का, लोकतंत्र का, रिस्पेक्ट का, उस विजन पर हमला है और उस मनुवादी विचारधारा को थोपने की कोशिश है।